हेलो गाइस, मेरा नाम है अंकित। हबल टेलीस्कोप जो कि अब बूढ़ा हो चुका है, उसे अपने उत्तराधिकारी का इंतजार है। हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो कि अब लॉन्चिंग के लिए तैयार है, उसे अक्टूबर के लास्ट तक लॉन्च किया जाना है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कनेडियन स्पेस एजेंसी का एक ज्वाइंट मिशन है। नासा द्वारा बनाया गया यह स्पेस टेलीस्कोप, जिसे जेम्स वेब टेलीस्कोप कहा जा रहा है, इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। जिस बीच एक समस्या है, नासा से इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी तक ट्रांसपोर्ट करने के दौरान इसे पनामा नहर होते हुए जाना होगा, जिसमें जेम्स वेब टेलीस्कोप के काफ़ी पुर्जे खोलकर अलग से पैक करने होंगे। अगर बाद में इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पास पहुँचने के बाद इसे दोबारा असेंबल किया जाएगा। इस बीच छोटी सी भी कमी होने पर इस मिशन को काफ़ी बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है। जेम्स वेब टेलीस्कोप में 18 मिरर लगाए गए हैं, जो कि आम मिरर नहीं है। इसे बेरिलियम की सोने वाली परत से कोटेड किया गया है, जो कि पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा, जबकि हबल टेलीस्कोप पृथ्वी से 547 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष की सुदूर एवं अच्छी फोटोज लेने में नासा की मदद करेगा तथा अंतरिक्ष के बारे में और जानने में हमारी मदद करेगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।